नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली सरकार ने पहले ही पूरे दिल्ली में बैन लगा रखा है, मगर लगातार इसकी खरीद और बिक्री दोनों हो रही है। लगातार मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP साहब ने कई कदम उठाए हैं। लगातार उनकी टीम काम कर रही है और साथ ही साथ कई जगह से ऐसी चीज़ें बरामद भी की गई हैं, कार्रवाई भी की गई है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका इस समय कदम उन्होंने उठाए हैं और किस तरीके से इस पे कार्रवाई चल रही है। सर, एक चीज़, चाइनीज मांझे को लेके लगातार कंप्लेंट आ रही हैं। कई जगह ऐसे हादसे हुए दिल्ली में, पिछले 2-3 साल से काफ़ी वारदातें ऐसे बढ़ गए हैं जिसमें लोगों की जान तक चली गई है। सीलमपुर शास्त्री पार्क में कई ऐसे हादसे हुए हैं जो आपके एरिया में आते हैं, तो अभी इस पे क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या गाइडलाइन उनको जारी की गई? देखिए, सबसे पहली बात समझने की कि ये दिल्ली में बैंड है चाइनीज़ मांझा, और इसको हम लोग वेरियस लेवल पे टैकल कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पीनल एक्शन, जो मैं बोलता हूँ, तो उसमें हम लोग 188 का पर्चा देते थे, बट नाउ वी स्टार्टेड गिविंग केसेज अंडर 5/15 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ है वो, और उसमें 5 साल तक की सज़ा है, 1,00,000 रुपये तक का फ़ाइन है, और अगर रिपीट ऑफेंडर है तो उसमें 7 साल की भी सज़ा हो सकती है। तो वो हम लोग इन्वोक कर रहे हैं जो बड़े सेलर्स हैं। जैसे अभी मेरे ATS ने एक बड़ा सा वो पकड़ा था, तो उसमें 60 उनको पैकेट्स मिल गए थे इसके, चाइनीज़ मांझे के। एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा, हम लोग रोज़ ये काम कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मांझा या पतंगे बिक रही हैं, बिकॉज दैट इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न राइट नाउ। 15 अगस्त में हम लोगों ने बचपन में पतंगे उड़ाई हैं, तो इस सीज़न में आमतौर पे हम लोग पतंगे उड़ाते ही हैं। तो जो शॉप्स हैं, जैसे मेरा 66 फुटा रोड में जो जाफराबाद थाने में आता है, तो वो एक ही दुकान है जो कि दिन, मतलब एक साल में 3 बार चेंज होता है। सर्दियों में वहीं जैकेट मिलेगा, गर्मी में वहीं कूलर मिलेगा, और उसी दुकान पे इस सीज़न पे पतंगे मिलेंगे। तो वहाँ पे हम लोग बकायदा मुनादी या पब्लिक अनाउंसमेंट जिसको बोलते हैं, वो कर रहे हैं कि, और पोस्टर भी लगा रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा। बड़े सारे शॉपकीपर्स ने हमारा मदद किया, उन्होंने अपने दुकान के बाहर लगा दिया है कि चाइनीज़ मांझा मांग के शर्मिंदा ना करें। तो मतलब इट इज़ अ पब्लिक मैसेज, तो वो हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और जो मेरे जो ट्रबल स्पॉट्स हैं, जैसे कि सीलमपुर का जो फ्लाईओवर है, वहाँ से जब नीचे खासकर आते हैं, तो 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं। इस बार कोई नहीं हुआ इंसिडेंट, पहले हुए हैं। तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया है कि सड़क के दोनों तरफ जो हमारे पोल्स हैं, तो उसमें ऊपर की तरफ हमने स्ट्रिंग बांध दिया, सो दैट अगर कभी मांझा गिरेगा भी तो वो ऊपर फंस जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। आई विल बी वेरी हैप्पी टू से कि पूरी दिल्ली में जितने भी पर्चे हुए हैं, जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हैं, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में 27 पर्चे हुए हैं। यानी लगातार कार्रवाई हो रही है और एक अवेयरनेस भी इस समय आप लोगों की तरफ, मुहिम की तरफ चल रही है, इसमें दुकानदार और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि जो चाइनीज़ मांझा है ये घातक है, बिकॉज टूटता नहीं है, शार्प बहुत होता है, तो ना सिर्फ इंसानों को खतरा है बल्कि पक्षियों को भी है। तो पीपल अंडरस्टैंड दैट, पर इसको जो छोटे बच्चे जो उड़ाते हैं, बस उन लोग को समझ उतनी नहीं है, तो वहाँ तक हम लोग अपना मैसेज पहुँचाना है, दैट इज़ आर चैलेंज। उन लोगों ने क्या कहेंगे जो सर आपके एरिया में रहते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि अगर पेरेंट्स चाहें तो उनके बच्चे ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, अगर वो मना करें स्ट्रिक्टली तो बच्चे नहीं करेंगे, पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं शय होती है। नहीं, पेरेंट्स को भी शायद उतनी समझ नहीं है। तो मेरा तो आप लोग के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है सभी लोगों से कि इसको हम लोग अच्छे से इंजॉय करें। पतंग उड़ाना बड़ा अच्छा शौक़ है और हम लोगों ने भी बचपन में बहुत पतंगे उड़ाई हैं, पर किसी का नुकसान ना हो। तो चाइनीज़ मांझा इज़ नॉट गुड, उसको यूज़ ना करें, जो नॉर्मल मांझा होता है उसी को यूज़ करें। और पतंग उड़ाना चाहिए, अच्छा शौक़ है और मज़ा आता है उसको, पर नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। प्रशांत बिहार में SHO साहब ने एक वहाँ पे ऑर्डर निकाला है कि कोई भी पतंग नहीं उड़ाएगा, कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा, ऐसा क्या ऑर्डर कुछ आपकी तरफ से यहाँ पे है, लागू होगा ऐसा? देखिए, दूसरे ज़िले के बारे में तो इट विल नॉट बी राइट फॉर मी टू स्पीक एनीथिंग, पर मेरे ज़िले में ऐसा कुछ नहीं है। पतंग बच्चे उड़ाते हैं, उड़ाते रहे हैं और उड़ाते रहेंगे। हम लोग सिर्फ इंश्योर कर रहे हैं कि सेफ तरीके से उड़ाएं। तो ये थे हमारे सर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP साहब जॉय सर, जो लगातार उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर अवेयरनेस फैलाई जाए तो कई लोगों की जान बच सकती है चाइनीज़ मांझे के थ्रू, क्योंकि अक्सर इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, हजारों और सैकड़ों की संख्या में
पक्षी घायल होते हैं और यह दिन पे दिन खतरनाक हो रहा है। हम भी अपील करेंगे कि अपने अपने घरों में अपने बच्चों को भी ये इंश्योर करें कि कोई भी इन चाइनीज मांजों का यूज ना करें। अगर वो करता है, लाता है, तो उसको खुद ही रोकें, क्योंकि जान आपकी भी जा सकती है, मांझा आपके गले में भी आ सकता है। एनभार टीवी दिल्ली।